आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी पेपर थर्ड का टॉपिक टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है और इसके कुछ टाइप्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे देखो जाके। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ स्टार्टिंग से पढ़ना, जो भी चैप्टर स्टार्ट करना जहां से मैंने स्टार्ट किया वो चैप्टर वहां से जरूर पढ़ना, ठीक है, बीच से मत शुरू करना, ठीक। और ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए मेंशन भी है यार, पढ़े लिखे हो देख लो समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली टैक्सेस टाइप्स बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब जो स्टिमुलस यानी जो सोर्स है उसके उस पे जो उसके साथ जो रिएक्शंस होती है उस पे बेस्ड टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है क्लिनोटैक्सेस, ट्रोपोटैक्सेस, क्लिनोटैक्सेस एंड मीनोटैक्सेस। क्लिनोटैक्सेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लाइट से दूर जाता है। अगर कोई सोर्स जैसे कि सपोज ये कोई लाइट का सोर्स है और ऑर्गेनिज्म इससे दूर जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिनोटैक्सेस, ठीक है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि जो लाइट पे होता है बेस्ड मूवमेंट उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देखो जाके वो वीडियो पहले, ठीक है। लाइट पे जो बेस्ड मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेस में, ठीक है। तो जब अवे फ्रॉम लाइट जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्लिनोटैक्सेस। एग्जाम्पल लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई जो होता है, जैसे कि जब यहां से कोई लाइट सोर्स है, यहां पे कोई सपोज लाइट जल रही है, ठीक है, यहां पे कुछ रोशनी सी हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये इससे दूर जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इससे मतलब दूर जाता है, इससे अट्रैक्ट नहीं होता, इसके अपोजिट मूव करता है, तो इस टाइप के जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिनोटैक्सेस। ट्रोपोटैक्सेस क्या होता है, टुवर्ड्स द लाइट, इसमें क्या होता है लाइट की तरफ मूवमेंट होता है, इधर लाइट का सोर्स उसे दिख रहा है, मान लो वो कहीं दूर है उसे यहाँ पे लाइट का सोर्स दिख रहा है तो वो इधर इसके पास चलते चलते आ जाएगा, तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है यानी कि लाइट की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोटैक्सेस। टीलोटैक्सेस इसमें टुवर्ड्स भी हो सकता है और अवे भी हो सकता है लाइट से, दोनों ही मूवमेंट शो कर सकता है, समटाइम्स टुवर्ड्स जा सकता है समटाइम्स अवे फ्रॉम भी जा सकता है लाइट से, ठीक है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है जो कि दोनों ही चीजें शो करता है उसको क्या बोलते हैं, टीलोटैक्सेस। और किसमें देखा जाता है, बीज में देखा जाता है, बीज जो होती है मक्खी जो बीज होती है वो क्या करती है, दोनों ही तरह का मूवमेंट शो करती है, यानी कि कभी कभी लाइट की डायरेक्शन में भी मूव कर जाती है और कभी कभी उसे दूर भी जाती है, ठीक है। फिर मतलब ऐसा देखा गया है कि जैसे कि कभी जो है लाइट सपोज ये लाइट सोर्स है तो इससे क्या होगा, पहले तो वो इससे दूर जाएंगी, इसके पास नहीं आएंगी, फिर जब वो इससे यूज टू क्या होता है वो उससे दूर सॉरी उसके पास आने लगती है, उससे अट्रैक्ट होने लगती है, यानी कि पहले तो उससे उसके अवे फ्रॉम लाइट जा रही थी बट जब वो यूज टू हो जाती है सोर्स ऑफ स्टिमुलस से फिर क्या होता है उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी तरफ मूव करने लगती है। तो ये दो तरीके का मूवमेंट शो किया ना इन्होंने, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीलोटैक्सेस। इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, टीलोटैक्सेस। फिर आता है मीनोटैक्सेस। मीनोटैक्सेस में क्या होता है, ओरिएंटेशन एट अ कांस्टेंट एंगल, एक कांस्टेंट एंगल पे होता है ओरिएंटेशन। आप लोगों ने अपने घर में आंट देखी होंगी, चींटियां देखी होंगी, वो दीवार पे चलती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक कांस्टेंट एंगल मेंटेन करके, ऐसे ऐसे जिगजैग नहीं चलती है, एकदम स्ट्रेट कांस्टेंट एंगल बना के चलती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, मीनोटैक्सेस बोलते हैं उस टाइप के मूवमेंट को, ठीक है। फिर आता है हमारा Q&A। टैक्सेस क्या होते हैं मैंने बता चुकी हूँ, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।